नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मथुरा जिले के सैदपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के पिता हरि सिंह किसान थे। खेती ही फैमिली की आय का मुख्य जरिया था। सुरेंद्र कहते हैं, शुरुआती दौर में परेशानियां कुछ ज्यादा थीं। गांव के प्राथमिक स्कूल में मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई। मैं रोज देखता था कि मुझे स्कूल जाते देख पेरेंट्स की आंखों में एक अजीब सी ललक रहती थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी पढ़ाई उनके लिए काफी मायने रखती थी। यह बात मैं बचपन से ही महसूस करने लगा था। मेरे फैमिली की आय का मुख्य जरिया खेती ही था। मैं अक्सर स्कूल से आने के बाद खेतों में पहुंच जाता और पिताजी का काम में हाथ बंटाता। हालांकि वो मुझे काम करने से मना कर देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा ध्यान कभी पढ़ाई से न भटके। मैं 8वीं क्लास तक गांव के ही स्कूल में पढ़ा। उसी दौरान मेरे बड़े भाई जितेंद्र को दिल्ली में प्राथमिक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। मैं भी उनके साथ दिल्ली चला गया। वहाँ इंटर करने के बाद मैं BSc और MSc के लिए राजस्थान चला गया। वहाँ मैंने MSc में टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। पढ़ाई के दौरान मैं कई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देता रहता था। इस बीच मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। वहाँ ज्वाइन करने से पहले ही मेरा सिलेक्शन ONGC में जियोलॉजिस्ट के पद पर हो गया। मैं ONGC में नौकरी तो करने लगा था, लेकिन दिल में हमेशा यही ख्याल आता कि शायद अभी पिताजी का सपना अधूरा है। मैंने 3 बार PCS का एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि दिल में IAS बनने का ख्वाब था। साल 2005 में IAS क्वालिफाई किया, देश में 21वीं रैंक हासिल की। करीब 10 साल पहले सुरेंद्र सिंह की शादी मेरठ की गरिमा से हुई थी। इनकी 2 बेटियों हैं। सुरेंद्र कहते हैं, DM के पद पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें कभी कभी फैमिली और बच्चों के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पत्नी का पूरा सहयोग रहता है, जिसकी वजह से मैं समाज के लिए बेहतर काम कर पा रहा हूँ। सुरेंद्र छोटे से गांव से निकलकर भले ही IAS बन गए हों, लेकिन आज भी उन्हें मिट्टी के चूल्हे की बनी रोटियां सबसे ज्यादा पसंद है। बता दें, इस IAS अफसर को साल 2012 के विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा बेस इलेक्शन प्रैक्टिस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मनरेगा योजना में बेहतरीन कार्यवहन के लिए इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।